वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कंपटीशन। जी हाँ, तो कंपटीशन ये होने वाला है कि आज हम इन दोनों गाड़ियों का, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कंपटीशन करेंगे। कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी, उस सिलसिले में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फालतू की बात ना करते हुए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले दोनों गाड़ियों में से किसके बारे में बताया जाए, तो सबसे पहला गाड़ी जो है हमारी रुद्रा, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात की जाए इसकी स्पीड की, तो ये जो स्पीड इसकी मिलती है 65 की, फुल स्पीड 65 की स्पीड है, प्लस तीन गियर मिलते हैं, तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों स्पीड में आप तीनों गियर में चला सकते हैं, ठीक है। दूसरी पार्किंग मोड सिस्टम, अगर आप इस जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है हमारी इसे आप पार्क मतलब लगा देते हैं, और गाड़ी जैसे कि आप इसकी की चालू करते हैं, तो जब इसे की चालू करेंगे तब डायरेक्टली गाड़ी पार्किंग मोड पे चली जाती है, जिससे कि गाड़ी को आप डायरेक्टली अगर रेस खींचते हैं तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी जब तक आप पार्किंग मोड से हटाएंगे नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये, जो कि सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि अधिकतम जो एक्सीडेंट होते हैं, अधिकतम जो केसेस हुए हैं, सुनने में आए हैं, वो सबसे ज्यादा इसी के अंदर देखने को मिले हैं, क्योंकि लोग चाबी चालू करने के बाद भूल जाते हैं और बात करते हैं, और आप ही का कोई मित्र आकर डायरेक्ट रेस खींच देता है तो वो गाड़ी चली जाती है नीचे, ठीक है। ये इसके लिए दूसरी बात कर लेते हैं इसकी गाड़ी की बैटरी के बारे में। तो बैटरी जो है इसकी लिथियम बैटरी है, ठीक है, रुद्रा में, और लिथियम बैटरी है तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको मिलती है वारंटी 3 साल की, बैटरी प्लस चार्जर, ठीक है। इस खोके की गारंटी वारंटी कुछ नहीं रहती है, क्योंकि ये तो हम लोग गिराते रहते हैं। और दूसरी, तो चलिए पहले आप थोड़ा सा कैमरा इधर लाए, सो यहां से हम इसे ऑन करेंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं इसकी बैटरी, ये एक सिंगल बैटरी है जो आपकी 120 किलोमीटर के दायरे में 120 किलोमीटर ले जाती है आपको सिंगल चार्ज पे, और इसको चार्ज होने में मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, अगर फुल डिस्चार्ज होगी तो 6 घंटे। और यहाँ पर आपको दे रखा है MCV, अगर कुछ लाइट में शॉर्ट सर्किट होता है तो आप इसके थ्रू ये ऑटोमेटिक गिर जाएगी, बैटरी में कोई इश्यू नहीं आएगा इसकी वजह से। ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है हमारी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में, और ये सिंगल बैटरी रहेगी, हालांकि अब तो डबल बैटरीज में भी आ गई है, बट ये एक सिंगल बैटरी है जो आपको 120 किलोमीटर ले जाती है डायरेक्टली। कंपनी 120 बोलती है बट मैक्सिमम 100 किलोमीटर तो जाती है 100%, क्योंकि मैं खुद चलाता हूँ तो बहुत बता सकता हूँ। तो चलिए अब दूसरे, और इसमें क्या क्या सुविधा है, सो भाई लोग अब हम इसे ऑन करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सबसे पहली बात, ठीक है, यहाँ पर आपको बैटरी शो हो जाएगी, ठीक है, आपकी गाड़ी कितना चलेगी। जैसे मैंने अभी इसको चालू कर दिया तो यहाँ पर आप स्पीड देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे स्पीड इसकी 13, 14, 15, 16, 17, 20, ठीक है, जितनी गाड़ी हमारी चलेगी उतनी स्पीड यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर आपकी बैटरी परसेंटेज बता देगा कि आपकी बैटरी अभी फिलहाल में कितनी चार्ज है। इसमें एक चीज मेरा ध्यान रखने का है कि ये जो बैटरी है 1, 2, 3, 4 और 5, और सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट रहता है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट के पीछे मत पड़ना। जब मैंने ये गाड़ी ली थी तब फुल डिस्चार्ज हो गई थी, आखिरी पॉइंट बचा हुआ था, मैंने कहा चलो 10 किलोमीटर और जाएगी, तो भैया 10 किलोमीटर गई नहीं थी, मुझे हाथ से लेके जाना पड़ा था इस गाड़ी को। तो ये सबसे मेन बात है, कभी भी आखिरी पॉइंट के ऊपर ना रहें कि आखिरी पॉइंट है हमारे पास 15 किलोमीटर चली जाएगी, इसे चार्ज कर लें, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन, जो कि हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आपको किलोमीटर शो कर देगा कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली हुई है टोटली। उसके बाद ये देखिए, अब जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आपको शो करेगा कि आपका गाड़ी में ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इशू आता है गाड़ी में, बैटरी गाड़ी में कुछ खराब होता है, किससे रिलेटेड, गियर, हमने जैसे क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, तो ही ये ऑप्शन जो है आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरे भी इसमें कुछ दिक्कत होती है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मोड है ना, ये इन सभी के अंदर यहाँ पर आपको शो कर देगा भैया गाड़ी में ये दिक्कत है, दिक्कतें आ रही है, तो इन्हें आप सर्विस सेंटर जाकर रिपेयर करवाइए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया, ये तो हमारी हो गई, अब इसकी लाइटिंग,
जिसे आप इसको ये इसका सायरन जो कि बहुत ही अल्टीमेट साउंड क्वालिटी साउंड बहुत प्यारा है। प्लस यहाँ पर आपको गियर देखने को मिलते हैं, पहले गियर, ये दूसरा गियर और ये तीसरा गियर, ठीक है। और ये आपको जो मैंने बताया था पार्किंग मोड, जैसे आपने इसको पार्किंग मोड पे लगाया, ये पार्किंग मोड। अब आप गाड़ी की रेस खींचिए, गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी, बट जैसे आपने पार्किंग मोड हटाया उसके बाद गाड़ी, ये देख सकते हैं गाड़ी चालू हो चुकी है। अगर ये मेन स्टैंड पे गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, आप देख सकते हैं नीचे टायर, और दूसरी चीज हमें यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके हम हमारे जो छोटे मोटे सामान हमारे हैं, कुछ जो सेलफोन वेलफोन है वो इसके अंदर डाट गाड़ी के कागज आगे से वो आप इसके अंदर व्यवस्थित रख सकते हैं बारिश के मौसम में। और यहाँ पर जो हमें ये जगह मिलती है, यहाँ पर आप घर के रिलेटेड जैसी टंकी वंकी जो भी सामान है वो हम यहाँ पर रख के आराम से ले जा सकते हैं। हालांकि इसके अंदर जो बैटरी के नीचे जो हमारे पास जगह है ये काफी कम मिलती है, लेकिन अब नए मॉडल में ये सुविधा हमारे को कर दी गई है कि बैटरी इसको नीचे खसका दिया गया है और हमें यहाँ पर भी सामान रखने के लिए जगह अब नए मॉडल में मिलने लग गई है। एक चीज यहाँ पर एक बताने लायक ये कि भैया कभी भी आप गाड़ी लें तो डायरेक्ट लॉन्चिंग पे गाड़ी ना लें, एक साल तक लॉन्च जब होती है गाड़ी कभी भी तो उसके एक साल बाद उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। ये हमने जैसे ही लॉन्च हुई थी उसी टाइम ले ली थी, ये गलती हमने करी थी जिसकी वजह से हमें इस चीज का समाधान नहीं मिला। अब इसमें हमें इशू ये आ रहा है कि हम भैया चार्जर कहाँ रखेंगे, गाड़ी के लटका के रखेंगे या गाड़ी के, तो यहाँ पर गाड़ी चार्जर रखने की जगह नहीं है, तो ये समस्या हमने वो फेस करी, कंपनी को बताया, तो अगली बार कंपनी ने जब नए मॉडल में जो है वो इसका समाधान किया, ठीक है। तो भैया ये हो गई इस गाड़ी के बारे में, लिथियम बैटरी वैटरी ये सारी चीजें, चलने वलने में कोई इशू नहीं है, बहुत ही बेहतरीन चलती है, क्योंकि मेरे को इसको चलाते हुए मैक्सिमम 4 से 5 साल समथिंग हो चुके हैं, ठीक है। 3 साल तो मैंने इसका यूज करके देख लिया, 3 साल तक इसकी बैटरी लिथियम बैटरी जो वो बहुत ही प्यारी चली है, ठीक है। रेगुलर मेरा पार्सल देने का काम रहता है, रेगुलर मैं 60 किलोमीटर इसकी ड्राइविंग करता हूँ, 60 किलोमीटर रेगुलर चलाता हूँ गाड़ी को, और अच्छी चलती है, कोई इशू नहीं आया अभी तक चार्ज होने में भी अच्छी खासी स्पीड रहती है इसमें। और बाकी तो क्या बात कहें, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही प्यारी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं न्यू गाड़ी की, एक और गाड़ी जो कि हमारे गांव में पड़ोस में लेके आए हैं गाड़ी को, ये गाड़ी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये गाड़ी किसकी होगी, तो भैया ये बता दूं मैं आप लोगों को कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, ठीक है। ये हमारे गाँव में है, जो है हमारे गाँव के पास में, वो गाड़ी लेके आए हैं, और गाड़ी लेके आए हैं तो भैया वो लोग हमारे यहाँ पे रख के गए हैं सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना गाड़ी ले लिए और नक्षत्र देखना पड़ता है भैया टाइमिंग, तो फिर कुंडली देख ले, कुंडली देखने के बाद भैया कुंडली देखने के बाद ही लोग जाते हैं, तो उसी तरह से ये भी भैया इसकी कुंडली देखी गई, तो कुंडली देखने के बाद इसको पंडित ने कहा भैया आज के दिन रुक जाओ कल लेके जाना, तो गाड़ी अब लेके आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं भैया, ये अपने यहाँ पे रखिए कल ले जाएंगे। तो आज हम इसकी कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले गाड़ी की लुक, जो कि हमारे इस लुक के फॉर्म ने तो फीका है, एसेसरीज इसमें बहुत सारी दे गई है, एसेसरीज बहुत हैवी दे दी है इन्होंने जो कि बहुत ही बेहतरीन है, कहीं से डैमेज होने का ऑप्शन नहीं मिलेगा भाई लोग। दोनों में हार्ड डिस्क दोनों में दिख रहा है आपको, ब्रेक दबाने बिल्कुल हार्ड डिस्क ब्रेक जो है टचिंग होगा। और दूसरी बात करें तो इसमें थोड़ा सा एसेसरीज उन्होंने थोड़ी ज्यादा हैवी दे दी है, देख सकते हैं आप, बट मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा हैवी जरूरत नहीं थी, क्योंकि तो नहीं लगती नहीं इतना लगी, क्योंकि एसेसरीज से एक मेन जो नुकसान होता है हमारी गाड़ी में, कंपनी दे तो दिया इन्होंने जो है भाई, नुकसान क्या है ये सबसे बड़ी बात होती है। अब नुकसान क्या है ये मैं बताता हूँ आप लोगों को, इस एसेसरीज से हम एसेसरीज लगाते हैं किस लिए कि हमारी गाड़ी जो है सेफ बच जाए, या कोई ठूके तो गाड़ी में नुकसान नहीं हो, ठीक है। लेकिन अब इसमें नुकसान क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी ठूकती है तो ये एसेसरी इन्होंने यहाँ पर प्लास्टिक में जो है बोल्ट कसे हैं इन्होंने, ठीक है। अब जब कोई चीज टकराएगी तो वो बोल्ट लोट यहाँ पर पड़ेगा, वो लोट यहाँ पर पड़ेगा तो ये ज्यादा नुकसान करेगी उल्टी एसेसरीज हमारी, ये जाहिर अगर यहाँ पर लोट पड़ता तो ये एसेसरीज प्लास्टिक को फाड़ते हुए आगे बढ़ जाएगी, तो ये मेन तो नुकसान है एसेसरीज लगवाने का सबसे बड़ी बात भाई, ठीक है। इसीलिए मैंने भैया अपने गाड़ी में एसेसरीज बिल्कुल नहीं लगवाई है, थोड़ी सिंपल रखी है कि भैया अगर कोई दिक्कत भी होती है तो डायरेक्ट थोड़ा बहुत होगी, गाड़ी भी ज्यादा टूट फूट नहीं होगी। अभी इस एसेसरीज में अगर ठुकती है तो ज्यादा एसेसरीज नुकसान यही करेगी आपके सामने, एक तो यहाँ सिर्फ
डैमेज हो जाएगी पूरी, यहाँ पर भी हो जाएगी, और यहाँ से अगर टकराती है तो आगे का प्लास्टिक पूरा लेके डूब जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक्सेसरीज लगवाने का नुकसान भी है, प्लस फायदे भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं इसके गियर सिस्टम। भैया हमारी गाड़ी में जो है इसमें भी तीन गियर थे, इसके अंदर भी तीन गियर है, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है भैया कि इसकी स्पीड जो है कंपनी ने सुना है, मैंने आज ही गया था वहां पर शोरूम पर, तो वो बोल रहे हैं कि 65 की स्पीड समथिंग इसमें है, 65 की समथिंग स्पीड दे रहे हैं वो भी, लेकिन इतना मालान चलती तो नहीं है, 55 समथिंग निकालती है ये गाड़ियों। ठीक है, अब दूसरी इसमें ये जो सिस्टम है, अब सामने वाले भैया चाबी लेके चले गए वरना मैं आपको सारी चीजें बताता। अब यहाँ पर भी इन्होंने डी और आर लिखा हुआ है, हो सकता है ये पार्किंग मोड का सिस्टम होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग तो सिस्टम मुझे इसका दिख रहा है, ये आपका इंडिकेटर सिस्टम यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। तो भाई लोग देखिए, मैक्सिमम हमारी गाड़ी में और इस गाड़ी में एक डिफरेंस मेरे को देखने को मिला है कि भैया इसमें डी और आर, तो मुझे जहाँ तक अनुमान है लगता है कि डी और आर का मतलब ये होता है पार्किंग, पीछे जो गाड़ी चलती है ना हमारी, अगर हम मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट आगे चल रही है तो इसको मोड को कर दे तो गाड़ी ऑटोमेटिक पीछे, हमें आगे पीछे खींचने की जरूरत नहीं रहेगी, गाड़ी ऑटोमेटिक पीछे रिटर्न गियर पीछे हो जाएगी, गाड़ी बंद पीछे चलेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारी गाड़ी में नहीं है जो कि इस गाड़ी में है, बस एक मेन ये डिफरेंस, एक जो पॉइंट है इस गाड़ी में हमारी गाड़ी से एक एक्स्ट्रा है। दूसरी बात कि भैया इस गाड़ी के अंदर हमको तीन गियर मिलते हैं वो उसमें मिलते हैं, पिप पिप भैया सारी चीजें, लाइटिंग वाइटिंग सारी चीजें सेम टू सेम है, प्लस बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की जो कि सबसे मेन होती है भैया, बैटरी इसके अंदर दो बैटरी इनलेट है, लेकिन बैटरी प्लस इसमें जो वारंटी है वो सिर्फ हमें एक साल की मिली है। जी हाँ, इस गाड़ी में हमको सिर्फ एक साल की वारंटी मिलती है, प्लस इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस मैंने आज ही कंफर्म किया था इसके शोरूम पे, तो 35,000 रुपए जो है इसके लाइफ एंड द रोड, 35,000 रुपए इसके प्राइस उन्होंने बताए हैं, प्लस उन्होंने एसेसरीज इसमें अलग से लगवाई थी, तो टोटल मिला के 40,000 का टोटल खर्चा जो हुआ है इस गाड़ी में हमारा हुआ है, टोटल ये हमें 40,000 में पड़ी है। और इसके अंदर जो हमें बैटरी मिली है वो डबल बैटरी है, जो कि हम बिल्कुल यहां से देख लेते हैं, तो भैया बैटरी जो है हमारी वो हमको यहाँ पर देखिए, इसके पास मेरे पास चाबी नहीं है यार, वो देखे गए नहीं है, तो बैटरी मैंने आपको एक तो ये बॉक्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ये बॉक्स है, प्लस दूसरा बॉक्स यहाँ पर छोटा सा एक और है, जो कि हमें दो बैटरी देखने को मिली है, प्लस मैन स्टैंड पे खड़े करने का है। साकब की बात करी जाए तो साकब भी बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। टायर की बात करी जाए तो इसमें टायर थोड़े से हल्के से मेरे को साइज बड़ी हुई दिख रही है, और हमारे उसकी साइज अलग दिखने में तो दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, और बाकी सारी चीजें फ्रंट तो हमने बता दी आपको, बैक पे बात करें तो बैक भी बिल्कुल दोनों में सेम टू सेम एज इट इज दिख रहा है। तो देखिए मैंने आपको जो बताए थे 35,000 इसकी कीमत है, ठीक है ब्लैक 35,000 रुपए, हालांकि अगर आप एसेसरीज वगैरह डलवाते हैं तो 40,000 रुपए की पड़ेगी आपको टोटल ऑन द रोड। ठीक है, 40,000 में आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी एक साल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आप पैसे वसूल कर सकते हैं। प्लट अब बात करते हैं रुद्रा की, भैया इस गाड़ी में हमको जो है ये 1,00,000 की पड़ती है, जो कि हमको पहले जब शुरू में लॉन्च हुई थी तब 1,00,000 की थी, उसके बाद में मैंने जब कंफर्म किया था तो 1,25 समथिंग इसके प्राइस हो गए थे। ठीक है, तो ये 1,25 समथिंग अभी फिलहाल में जो इसके प्राइस है वो 1,25 है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात होती है वो बैटरी की होती है, गाड़ियों में सबसे जो मेन होती है हमारी बैटरीज ही होती है, इसके अलावा हमें और कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा, बॉडी तो आपको हर कहीं मिल जाएगी बट जो मेन होता है वो हमारी बैटरी होती है, जैसे कि हम इंसानों में अंदर हमारे अंदर रहता है मेन माइंड मस्तिष्क, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंदा कैसा रहेगा कैसे चलेगा। ठीक है, माइंड खराब तो आदमी खराब, इसी तरह बैटरी खराब तो गाड़ी खराब। तो बाकी इसके अलावा तो इसमें और कुछ बताने लायक मेरे को लगता नहीं है, दोनों गाड़ियों में बैटरी का सब मेन खेल बैटरी का है। ठीक है, तो दोनों बैटरी और इनकी जो साइज है, इसमें हाइट साइज जो जो सीट हमको मिलती है वो थोड़ी सी हल्की सी साइज छोटी मिलती है, इसमें सीट थोड़ी सी हमको बड़ी मिल जाएगी, हालांकि इसमें हमें पीछे भी जगह मिल जाएगी कुछ चीज़ें रखने के लिए, और सबसे दूसरी एक तो यहाँ पर हमें स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस हमें बहुत ज़्यादा मिल रही है और यहाँ पर स्पेस हमें कम मिलती है। तो चलिए भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो
मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ओके बाय, टेक केयर।